हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बालूशाही। बालूशाही बहुत ही फेमस इंडियन स्वीट है एंड आई होप कि आप सभी को इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए इसकी क्विक रेसिपी देखते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा में 1/2 कप देसी घी मिलाया है। ये घी होममेड है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिल्ड वाटर ज़रा सा, और इसे हम बहुत ही अच्छे से मल मल के ब्रेड क्रम्स के जैसे टेक्सचर देंगे। इसे बहुत ही अच्छे से मलना है हमें। इसे इसका डो बिल्कुल ही तैयार नहीं करना है हमें, इसका ब्रेड क्रम्स के जैसा टेक्सचर चाहिए। अब जैसा कि आपको यह दिख रहा है बिल्कुल ही ऐसा। अब इसमें हम और पानी मिलाएंगे, बहुत ही कम कम पानी मिला के इसे हम कंबाइन करेंगे। इसका डो हमें तैयार नहीं करना है, इसे सिर्फ इकट्ठा करना है। इसलिए क्योंकि बालूशाही के अंदर बहुत सारे फ्लेक्स रहते हैं, मतलब बहुत लेयर्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परत रहते हैं, तो हमें वही क्रिएट करना है। इसलिए हम बिल्कुल भी इसे डो इसे अच्छे से गूंथेंगे नहीं, मलेंगे नहीं, और इसका एक सॉफ्ट कंबाइन डो तैयार करेंगे। नीड किया हुआ डो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अब इस डो को अच्छे से हाथों में ले लेंगे, कंबाइन किया हुआ एक प्लेट के ऊपर, और इसे हम हाफ करेंगे और उसके ऊपर रखेंगे, फिर हम हाफ करेंगे, फिर ऊपर रखेंगे। ऐसे हम 5 मिनट तक करते रहेंगे, हाफ करके उसके ऊपर रखेंगे। इससे जो हमारा ये तैयार होगा तो उसके बीच में बहुत ही फ्लेकी रहेगा, बहुत लेयर्स होंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं और बहुत सारे लेयर्स भी बन के तैयार हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं, देखिए कितने सारे लेयर्स बन के तैयार हो गए। अब हम इसे कुछ देर, मतलब सिर्फ 30 सेकेंड के लिए हम इसे कंबाइन करके नीड करेंगे। सिर्फ 30 सेकेंड, बस एक बार इसे अच्छे से चिकना कर देंगे बस। हो गया। अब इसे एक बोल में हम रखेंगे, और मेरे पास यहाँ कॉटन क्लोथ है जिसे मैंने पहले से भिगो के रखा है। मैं इसे ढक के रख दूँगी फॉर 20 मिनट्स। अब आइए इसी बीच हम चाशनी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 1 ग्लास पानी लेंगे और इसमें जाएगा 1/2 कप शुगर, और इसमें थोड़े केसर के स्ट्रिंग्स जाएंगे। 10 से 12 केसर के स्ट्रिंग्स मैंने डाले हैं, इससे अच्छे कलर आ जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे जिससे इस चाशनी का जो भी गंदगी होगा वो ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं वो कोना कोना गंदगी टहल रहा है, वहाँ हमारा चाशनी बनके तैयार हो गया, मैंने वो गंदगी साफ़ कर दिया। यहाँ हमारा ये जो डो है ये भी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे वापस हम प्लेट में ले लेंगे और इसे हम डिवाइड करेंगे 2। अब जो पहला डो हमने लिया है हाथ में, इसे हम अच्छे से लंबा करेंगे और फिर इसका छोटा छोटा बॉल्स निकालेंगे। मैं यहाँ पे छोटे बालूशाही बनाऊंगी, आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इसकी भी निकाल लूँगी। हमें इसे चिकना नहीं करना है क्योंकि हमें फ्लेकी लेयर्स चाहिए, बालूशाही चिकना नहीं होता है। इसके बॉल्स बनाएंगे और बीच में ऐसे प्रेस कर देंगे, फिर से बॉल्स बना के बीच में प्रेस कर देंगे। ऐसे ही सारे डो के साथ करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बीच में चिकना नहीं हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ये टूट रहा है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खस्ता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। ऐसे ही सारे डो के साथ करना है। कुछ इस तरीके से। अब मैंने डीप फ्राई के लिए घी रखा हुआ है, ये देसी घी है, प्योर घी है, इसमें कुछ भी मिक्स मैंने नहीं किया है, और एकदम लो फ्लेम में हम इसे चढ़ा देंगे। ये देसी घी घर पे बना हुआ है। अगर आपकी रेसिपी इसकी रेसिपी आपको जाननी है तो आप मेरे चैनल में जाके घी की रेसिपी देख सकते हैं, मैंने घर का घी का वीडियो अपलोड किया हुआ है। और इसे आप एकदम धीमे आंच पे डालेंगे क्योंकि इसके लिए हमें तेल का जो गर्म है वो एकदम कम होना चाहिए, और ये अंदर तक पूरी खस्ता हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे से ये थोड़ा लाल लाल दिख रहा है, इसका मतलब कि नीचे से हो गया है। अब इस सबको हम पलट देंगे इस तरीके से। इसे लाल होने में करीब 20 मिनट लगे हैं। सबको
सारे हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आया है इसमें। नीचे की तरफ भी हमें ऐसा ही कलर चाहिए, इसलिए तब तक हम इसे पकाएंगे। और अब ये हो चुका है नीचे की तरफ भी। नीचे की तरफ होने में हमें 10 मिनट लगे हैं। अब इसे हम पलटेंगे और आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ भी हो चुका है। अब इसी तरीके से हम सारे बाहर निकाल लेंगे तेल को अच्छे से निकाल के, आई मीन घी जो हम यूज़ कर रहे हैं। और अब इसे प्लेट में हमने निकाल लिया। और यहाँ मेरे पास साफ़ चाशनी है जो हमने बनाई है। ये चाशनी बिल्कुल ही गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर में है। इसमें हम भिगो के इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, जिससे क्या होगा ये चाशनी इस बालूशाही के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बीच बीच में चलाते रहिए, कहीं चाशनी निकल ना जाए। और बस इसे थोड़े से पिस्ता बादाम और केसर के स्प्रिंग के साथ सजा दीजिए। और ये हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस बालूशाही बन के बिल्कुल ही तैयार है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर तक शुगर सिरप जो है चाशनी हमारी वो गया है कि नहीं, और अंदर कितना ज़्यादा फ्लेकी है मैं वो भी आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको ये तोड़ा और आप देख सकते हैं नीचे अंदर में कितना अच्छा लेयर आया हुआ है। आई होप कि आप लोग भी ये रेसिपी बनाएंगे और आप लोगों का बहुत ही अच्छा लेयर है। और देसी घी में बने और केसर में डूबे चाशनी पे बने ये बालूशाही बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और अपने कमेंट नीचे बताइए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।